दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाली हूँ जिसने एक भी दिन काम नहीं करते हुए भी पूरे 800 करोड़ रुपए कमाए हैं। जी हाँ, चलो तो देखते हैं कौन है ये आदमी और कैसे कमाए इसने बिना काम किए इतने सारे पैसे। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहाँ आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। ये कहानी है मोहम्मद अनवर अहमद की। मोहम्मद अनवर अहमद जलगांव डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव में पले बड़े थे। उन्हें 4 सगे भाई भी थे और वो सब साथ मिलकर अपने पिताजी को खेती करने में मदद करते थे। लेकिन एक दिन अचानक से ही उनके पिताजी की मौत होने के कारण उनकी सारी जमीन 4 हिस्सों में बांटी गई। तो इन अनवर भाई साहब ने अपनी जमीन बेच दी। अब आप में से बहुत लोग ये कहेंगे कि जमीन बेचकर इन्होंने सबसे बड़ी गलती की। लेकिन दोस्तों, जमीन बेचने के बाद जो उन्होंने किया उसकी वजह से वो आज मिलियनर बन गए हैं। तो जमीन उन्होंने बेची कुछ 80,000 रुपए में। 1947 में वे प्रो पब्लिक हो गई थी और तब वो वनस्पति और घी मैन्युफैक्चर करती थी। एक दिन अनवर जी ऐसे ही चाय के टपरी पर बैठकर चाय पी रहे थे और तब उनकी मुलाकात हुई एक यंग स्टॉक ब्रोकर से। वो ब्रोकर भी उस गांव में अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर स्टॉक्स बाय करने ही आया था। तो फिर ऐसे ही बातों बातों में उस ब्रोकर ने अनवर जी को विप्रो के स्टॉक्स के बारे में बताया और ये स्टॉक मार्केट क्या होता है ये भी इन शॉर्ट बता दिया। अनवर जी भी थोड़े इम्प्रेस हो गए थे। इस बातचीत के बाद अनवर जी ने तुरंत अपने जमीन से आए हुए पैसों में से 10,000 रुपए विप्रो में इन्वेस्ट कर दिए। अब ये थोड़ा रिस्की डिसीजन भी था, क्योंकि बस एक बार ही स्टॉक मार्केट के बारे में सुनकर उन्होंने पूरे 10,000 इन्वेस्ट करने का सोचा था। खैर, उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट तो बाजी मार गई। लेकिन चुटकियों में ही नहीं, सबसे होशियारी की बात उन्होंने ये की कि ये स्टॉक्स लंबे समय के लिए होल्ड करके रखे। उन्होंने अपनी 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट 1980 में की थी, जहां उन्होंने 100 शेयर्स लिए थे और अगले 40 सालों तक उन्होंने अपने शेयर्स ऐसे ही होल्ड करके रखे हैं, जिनके वैल्यू आज करीब 800 करोड़ से भी ज्यादा है। अनवर जी को रेगुलरली इसका डिविडेंड मिलता रहता है और कंपनी हर साल अपने स्टॉक्स का डिविडेंड बढ़ाती रहती है। अभी तक उन्हें 118 करोड़ का डिविडेंड मिला है। यानी सोच लो, बंदा बिना कोई काम किए घर बैठे सोने के अंडे खा रहा है। साथ ही अनवर जी ने एक ऐसी शपथ भी ली है कि जब तक अजीम प्रेमजी विप्रो के चेयरमैन हैं, वो अपना एक भी शेयर नहीं बेचेंगे। शायद उन्हें अजीम प्रेमजी पर बहुत विश्वास है। क्या पता अगले 10 सालों में विप्रो और भी ऊंचाइयां छू ले, कुछ कह नहीं सकते। तो अब आप देख ही सकते हो कि स्टॉक मार्केट कितना ज्यादा पावरफुल है और रिस्क लेने से ही तो सक्सेस मिलता है ना। उस वक्त तो फिर भी स्टॉक ब्रोकर्स हुआ करते थे, सब कुछ मैन्युअली होता था, जो कि और थोड़ा रिस्क फैक्टर था। लेकिन आज ये काम बहुत ज्यादा सिंपल हो चुका है। तो आज आपको सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म और डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी। लेकिन मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको गाइड भी करेगा और फ्री में डीमैट अकाउंट भी ओपन करके देगा। मैं बात कर रही हूँ मोतीलाल ओसवाल की, जो कि 30 साल के एक्सपीरियंस के साथ 22 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा और सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स देकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। मोतीलाल ओसवाल में आपको पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी मिलेगा, जो कि आपको सही स्टॉक में इन्वेस्ट करने में हेल्प करेगा, ताकि आप कोई गलती ना कर पाओ। इसी के साथ साथ आपको मोबाइल पर रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशंस भी मिलेंगे। जैसे ही आप मोतीलाल ओसवाल पर अकाउंट ओपन करोगे, आपको 25,000 रुपए का एक वेलकम बास्केट मिलेगा, जिसमें आपको AI बेस्ड टूल्स मिलेंगे और साथ ही 3,000 रुपए के डिस्काउंट कूपन्स भी मिलेंगे और 1,000 रुपए का ब्रोकरेज कैशबैक भी। यहाँ पर आप फोन कॉल और मोबाइल ऐप दोनों जगहों से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर अभी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लो। वैसे दोस्तों, क्या आपने भी विप्रो के स्टॉक्स बाय किए हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।